हमें बताना है बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है, या तो दोनों को पॉजिटिव ले सकते हो या दोनों को नेगेटिव ले सकते हो, सो दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड फ्रॉम 21 टू 31? इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, सो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे. बट मेरे को इसके ग्राफ भी बना के दिखाओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीनों ग्राफ भी बनाओ साथ में. नहीं पूछा फिर भी बनाने हैं हमने प्रैक्टिस के लिए. हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी दी है 31, इनिशियल इज 21 एंड सॉरी एक्सेलरेशन दी थी, टाइम बताना था. This is given as 2.5. So t to 4 second आ गया. Second में भी same ही आएगा because ये 21 से 31 है, 51 से 61 है, तो change in velocity तो same है दोनों cases में. इसका अगर मैं position time graph बनाऊं तो कैसा बनेगा? XT graph. VT graph. And AT graph. XT graph kaisa banega? Straight line curve. Increasing slope, decreasing slope. Increasing accelerated slope, motion ka XT graph. Slope of XT graph gives? Increasing slope. Slope of XT graph gives? Velocity. 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 Accelerated motion hai, toh velocity badh rahi hai, kam ho rahi hai? Increasing. Increasing. Toh slope increase karni chahiye ya decrease? Increase. It should be increasing slope. Because V is increasing. Then if we take VT graph, slope of velocity time graph is straight line. Inclined to the time axis, parallel to the time axis. Inclined to the time axis or parallel to the time axis? Parallel. Inclined to the time axis. Inclined. Parallel to time axis बना दिया तो slope zero हो जाएगी. इस graph से time निकाल सकते हो? जैसे मेरे को कहा कि let it initial velocity be 21. After some time the velocity is 31. फिर एक बार ही दी है 51, देखो 51 से 61 का टाइम निकालना है. और 21 से 31 का टाइम निकालना. इस ग्राफ से T1 T2 निकाल सकते हो जो हमने इधर निकाले हैं. स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होती है? स्लोप ऑफ VT ग्राफ और स्लोप होती क्या है बेसिकली? अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप इज टैन थीटा. टैन थीटा. इस केस में ये कितना है परपेंडिकुलर? ये 31 या 21, तो परपेंडिकुलर इज 10. यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है?
स्लोप इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारे को कितनी दिया 2.5. यू कैन से इट्स आइदर 10 बाय t1 या 10 बाय t2. तो t1 t2 बोथ कम्स आउट टू बी 4. अब ग्राफ से भी कर सकते थे. AT graph. Straight line parallel to x-axis. Time axis. Sir, time axis को x-axis कह सकते हैं नहीं? नहीं कह सकते. So 2.5 meter per second square. अगर मैं आपसे पूछूं displacement of the body as velocity increases from 21 to 31. इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता displacement of the body as velocity increases from 21 to 31 meter per second. इनिशियल वेलोसिटी बदल, फाइनल वेलोसिटी बदल, एक्सेलरेशन बदल, फॉर्मूला क्या लगेगा? v² - 2s. अगर मैं आपको ग्राफ से निकालने के लिए कहता, if I say find using graph, तो ग्राफ से कैसे निकालते? यही आंसर. ग्राफिकली हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? कौन से ग्राफ से निकलती है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. बीटी ग्राफ का एरिया 21 से 31 मतलब ये एरिया, ये कितना है, ये साइड कितनी है, टाइम कितना लगा था 21 से 31? 4 सेकेंड. तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एरिया कितना है 21 से 31, ये पूरा एरिया ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, हाफ 21 प्लस 31 into distance between the two sides. This is also displacement. Same आएगा ये answer भी. तो ये calculation आसान है relative to this. Purpose मेरा क्या था? पूछा तो आपसे सिर्फ ये था. एक्सेलरेशन निकालनी है, बट यू शुड एनालाइज द प्रॉब्लम. हर बार ये थोड़ी पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ग्राफिकली पूछ सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए दे सकते हैं, वो कह सकते हैं सॉल्व ही ग्राफ से ही करना है. तो आपको हर चीज आनी चाहिए उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के बारे में. देखो इसमें कुछ डाउट है तो क्लियर है सबको या किसी ने कुछ पूछना है? क्लियर है? यस सर. यस सर. यार सेकंड. स्प्लिंटर एक्सप्लोड्स आउट ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच ही सस्टेन्स फॉर 1.2 सेकंड्स. Then an acceleration drops to zero for the rest of the race. What is the velocity at t is equal to 1.2 second and at end of the race? Hamidya, sprinter starts running.
it's the acceleration is 2.3 meter per second square for 1.2 seconds, and then acceleration drops to zero. 1.2 seconds के बाद velocity बतानी है और end of the race में बतानी है कि जब race खत्म होगी तब उसकी velocity कितनी होगी. Data क्या given है हमें? 2.7 at end of 1.2 seconds or at end of race 7.6 2.76 रुकना नहीं एंड ऑफ रेस पे भी सेम सर इट विल बी इधर जीरो नहीं एंड ऑफ रेस मतलब जब उसने फिनिश लाइन पे पहुंची तब सर जीरो एक्सेलरेशन है उसके बाद तो सेम स्पीड ही रहेगी स्पीड सेम ही रहेगी ग्राफ बनाओ इसके सारे एक्सटी वीटी एटी क्वेश्चन देखो हमें क्या गिवन है एक्सप्लोड्स आउट ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक मतलब जब भी रेस स्टार्ट होती है इनिशियल स्पीड इज जीरो एक्सेलरेशन गिवन है टाइम गिवन है तो पहला पार्ट तो बिल्कुल इजी है टाइम इज 1.2 कितना आया था 2.76 यस सर सो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई इसका एक्सटी वीटी एंड एटी ग्राफ एक्सटी वीटी एटी ग्राफ जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट पहले वेलोसिटी बढ़ रही है 1.2 सेकेंड्स के लिए बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट अगर मैं एक्सटी ग्राफ से शुरू करूं पहले वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सटी ग्राफ की स्लोप बढ़ेगी या कांस्टेंट होगी इंक्रीजिंग स्लोप इंक्रीज होगी टिल 1.2 सेकंड और फिर उसके बाद 1.2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट कांस्टेंट स्लोप बिकम्स कांस्टेंट एक बार इसकी स्लोप हम बढ़ाएंगे एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट वन पॉइंट टू सेकेंड्स तक स्लोप बढ़ेगी And then slope will be constant. O से A तक बढ़ रही है and then it will be a straight line curve. Straight line, ठीक है? A to B will be straight line because A to B constant velocity है. O से A it's increasing velocity. Implies increasing slope. A to B constant velocity, so constant slope. इसका अगर मैं VT graph बनाऊं तो पहले 1.2 सेकेंड्स तक वेलोसिटी इंक्रीज करेगी स्लोप कांस्टेंट होगी बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट क्लियर है यस सर 80 ग्राफ बनाएंगे तो पहले 1.2 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन कितनी है फर्स्ट 1.2 सेकेंड 2.3 और उसके बाद जीरो
जीरो तो ग्राफ ऐसा बनेगा पहले 1.2 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन इज 2.3 After that, acceleration is zero. इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि वो 100 मीटर की रेस कितने टाइम में पूरी करेगी ग्राफिकली निकालो तो कैसे निकालोगे अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं टाइम टेकन टू कंप्लीट 100 मीटर रेस कौन सा ग्राफ यूज होता एटी यूज करूं वीटी यूज करूं या एक्सटी यूज करूं सर एरिया ऑफ वीटी एरिया ऑफ वीटी एरिया ऑफ वीटी अगर मैंने लिया मान लो टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस इज टी सेकेंड्स टी सेकेंड्स में रेस पूरी की ये हमें पता है दिस इज 1.2 तो ये कितना हो जाएगा टी माइनस 1.2 और ये पूरा एरिया मिला के इट्स 100 तो ये एरिया है कितना ये एरिया कितना है अगर हम ट्रेपेज़ियम का एरिया लें कितना बनेगा हाफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं ये साइड कितनी है पूरी टी दूसरी साइड टी माइनस ये साइड टी माइनस 1.2 और दोनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है दिस इज 100 यहां से आप टी निकाल सकते थे ग्राफ से बिकॉज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट ये साइड हमें पूरी पता है दिस साइड इज इसको ऊपर लिख लो अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो मैंने पूरा लिया है कि पूरा टाइम लेट इट बी टी सेकेंड्स तो ये साइड है टी माइनस 1.2 और ट्रेपेज़ियम का एरिया लिखा दिया बिकॉज़ ये हमें पता है 2.76 समझ आया कैसे किया यस सर आप यहां से ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता velocity change in velocity because initial velocity is zero hai so final velocity will be equals to change in velocity clear hai sara kuch isme kuch puchne wala hai to batao because jaise main karu aapko khud ko bhi ghar mein bhi aise hi sochna padega numericals acche karne ke liye कि जो पूछा सर उस पर फोकस ना करो कि वो आंसर आ गया तो ठीक है अब उसके मेथड सोचो और कैसे कर सकते हैं और इसमें वो आपसे क्या पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में An Australian Amy is running due north in a straight line at a speed of 13 meter per second. Slows down to a speed of 10.6 in 4 seconds. What is the direction of bird's acceleration? Assuming acceleration remains same, what is the bird's velocity after an additional 2 seconds elapsed?
इसको सिर्फ ग्राफिकली करो, फॉरगेट अबाउट द इक्वेशंस, ग्राफ से करके दिखाओ मेरे को इस क्वेश्चन को. यू विल नॉट यूज इक्वेशंस, ग्राफ से करना है इसे. ड्रॉइट्स ग्राफ. अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें दिया ऑस्ट्रेलियन एमू इज रनिंग नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड. हमें गिवन है एंड इट्स रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. After 4 seconds, so speed is 10.6. Acceleration. That means it's a case of retardation. It's a case of retardation, constant retardation. What is the direction of bird's acceleration? Bird's acceleration, it's opposite to the speed. Because if it's going north, mein ja raha hai, toh acceleration will be towards south. Only then can speed decrease. So we can say that as magnitude of velocity decreases, implies its retardation. And direction of A is towards south. Velocity ke opposite. अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप ऑफ एक्स टी इज वेलोसिटी, सो स्लोप शुड increase or decrease? Decrease. The initial slope zyada and final slope kam. There is a graph of decreasing slope. As V decreases, slope decreases. If we come to VT graph, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कॉन्स्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है 13, आफ्टर 4 सेकेंड इट्स 10.6. AT graph. AT graph कैसा बनेगा? Sir, increasing slope. Acceleration constant है, variable है. Increasing slope कौन बोला? तो फिर increasing slope क्यों? Acceleration time graph कैसा बनेगा? If A is constant. Straight line parallel to T. Straight line parallel to time axis कहाँ पे? Negative side पे. Because acceleration is negative. So AT graph is this. Value कितनी लेनी है वो हम अभी देख लेते हैं, because वो निकालनी है question में. अब हम इस VT graph को देखें.
ए से बी तक अगर मैं देखूं, टैन थीटा कितना है? स्लोप कितनी बन रही है? नेगेटिव में आएगी है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल. Because final value is 10.6, initial value is 13. Basically, slope ka formula hota gaya maths mein. It's y2 minus y1 upon x2 minus x1. Initially, time ki value kitni hai? Is axis pe time hai, to yahan pe humare paas kya ho jayega? v2 minus v1 upon t2 minus t1. Jab t1 zero hai, वेलोसिटी कितनी है? 13. जब T2 4 है तो वेलोसिटी कितनी है? 10.6. तो ये वैल्यूज पुट करेंगे ना इस फॉर्मूला में. एक्सेलरेशन इज v2 minus v1 upon t2 minus t1, तो नेगेटिव में -0.6. क्लियर? देखो ये सबको, कोई डाउट इसमें? अब स्लोप मैंने निकाल ली, अब हम ये बी टू सी का ग्राफ देखते हैं. अगर मैं बी टू सी देखूं तो इनिशियल टाइम कितना है और यहां पे वेलोसिटी है 10.6. फाइनल टाइम है 6 सेकेंड्स. फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं, वो निकालनी है हमने, बट ए पता है, ए इज -0.6. तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, वैल्यू निकालो वी टू की, क्या आती है यहां से? फाइंड द वैल्यू ऑफ वी टू. B2 comes out to be 9.4. ये लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? When I say acceleration is -0.6 meter per second square, what does it physically means? Velocity is decreasing. Velocity is decreasing at a rate of 0.6 meter per second per second. मतलब हर second velocity 0.6 meter per second कम हो रही है. एक second में 0.6 meter per second कम हो रही है, दो second में कितनी कम हो जाएगी? 9.2. और यही हुआ है, 10.6 से 9.4 हो गई है, 1.2 मीटर पर सेकंड कम हो गई है. तो फिजिकली जब एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं -0.6, इसका मतलब होता है दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकंड एवरी सेकेंड. तो अगर जैसे इन्होंने पूछा था 2 सेकेंड्स के बाद, फर्दर 2 सेकेंड्स के बाद बताओ, अगर मैं कहता फर्दर 3 सेकेंड्स के बाद बताओ तो कितनी कम हो जाती? 1.8. वो 4 सेकेंड के बाद कहते तो हम 2.4 कम कर देते. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जब एमसीक्यूज में आए तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि हर सेकेंड 0.6 मीटर पर सेकेंड कम हो रही है. तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उन्होंने किसी टाइम पे बता दिया, उसके बाद उन्होंने कहा 10 सेकंड्स के बाद बताओ कितनी है, तो अब 6 मीटर पर सेकंड कम कर दो उसको.
बिकॉज अगर रिटार्डेशन माइनस 0.6 है मतलब हर सेकेंड 0.6 मीटर पर सेकेंड कम होते जा रही है. क्लियर ये क्वेश्चन? देखो कुछ इसमें पूछना है तो सर. हाँ जी सर, इसमें मेरे को एक्सेलरेशन टाइम जो है वो मेरे को पता कैसे चला के नेगेटिव में है बिना सॉल्व किए? क्या क्या कैसे पता चला सर? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना. हाँ जी सर. वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है. फिर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन होती है या ऑपोजिट होती है? अच्छा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन होती है. नाइन्थ में पास हुए थे या कंडीशनली प्रमोटेड थे? भाई वेलोसिटी कम होती है तो रिटार्डेशन नहीं होती, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होती. मतलब नाइन्थ की बुक उठा के पढ़ लो 1D अगर नहीं आता तो, बिकॉज ये सब चीजें नाइन्थ में आपको पढ़ाई जा चुकी हैं. और नाइन्थ आपकी ऑफलाइन ही लगी थी, ऑनलाइन नहीं लगी थी, कि जब वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट है. वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो तो वहीं से पता चल गया हमें. हम इसीलिए कहते हैं 9th-10th में किसी के भी नंबर आ जाते हैं. अब किसी भी तरह रट्टे रुट्टे मार के नंबर ले लो, 4 न्यूमेरिकल होते हैं बुक के अंदर, वो सॉल्व कर लो, उसी में से पेपर आ जाएगा. लॉजिक तो हम लगाते नहीं कभी. A hot air balloon is rising upward with constant speed of 2.5 meter per second. When balloon is 3 meter above the ground, the balloonist accidentally drops a compass over the side of the balloon. How much time elapses before the compass hits the ground? Forget the numerical data. जो मतलब निकालना है, मेरे को इसके पहले तीनों ग्राफ बना के दिखाओ बस. XT, VT, AT. तीनों ग्राफ हमें दिया है. एक हॉट एयर बलून ऊपर राइज कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से, जब उसकी हाइट ग्राउंड से 3 मीटर थी, उसमें से एक कंपास नीचे गिरी. हमने बताना है कंपास ग्राउंड पे कब पहुंच जाएगी. न्यूमेरिकल तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मेरे को सिर्फ इसके ग्राफ बना के दिखा दो. बलून है ऊपर राइज कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से, इसमें से कंपास गिरती है नीचे, और वो हमने बताना है नीचे कितने टाइम में पहुंच जाएगी. बट व्हाट अबाउट इट्स ग्राफ? हां जी सर, एक्सट्री ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा. मेरे को व्हाट्सएप कर दो, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, ऐसे नहीं पता चलेगा. तीनों ग्राफ बना लो, एक ही फोटो खींचना. फिर शेयर स्क्रीन कर सकते हो तो शेयर स्क्रीन कर दो, पर उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, सो बेटर है फोटो खींच लो. मोशन को एनालाइज कर रहा है, कंपास पे फोकस करते हैं. मैं इसको मान लेता हूं जहां से ड्रॉप किया, लेट इट बी रेफरेंस पॉइंट. मतलब जहां से ड्रॉप किया वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है. पहले कंपास ऊपर जा रही है, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड,
और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, एक बारी जब बैलून से अलग हो गई तो इसकी वेलोसिटी कम किसने की? डाउनवर्ड्स -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर है कि जब मैंने ड्रॉप की कंपास तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 2.5 और उस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही थी डाउनवर्ड्स -9.8। मैं कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड को या डाउनवर्ड को? अपवर्ड। अपवर्ड को, ठीक है। ये बॉल यहां से इधर तक आई, बी तक, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए से बी अगर जा रही है तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है या डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी नीचे आनी शुरू हुई, मान लो यहां पहुंच गई सी पॉइंट पे, तो ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? बॉडी ऊपर गई फिर यहां तक आ गई एक बारी नीचे सी तक, जब सी तक आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? जीरो। जहां से थ्रू किया था वहीं वापस आ गई, फिर वो ग्राउंड पे आएगी अल्टीमेटली। ए से डी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ए से डी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है या डाउनवर्ड है? ए से डी डाउनवर्ड्स है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। और कितनी है नेगेटिव में? -3 meter। अभी मैंने वेलोसिटी की कोई बात नहीं की, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया वो कब पॉजिटिव है कब जीरो है और कब नेगेटिव है। अब मैं वेलोसिटी की बात करूं, ए से बी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? डिक्रीजिंग है। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल है? कॉन्स्टेंट। ग्रेविटी है, बिकॉज बी से सी या बी से डी पूरा ही बता दो। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट ए। मैं वेक्टर साइन डाल रहा हूं इसलिए भी मेरे को डायरेक्शन की अभी चिंता नहीं है। अब ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, ए से बी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? ए से बी, ए से बी वेलोसिटी इज अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड है। अपवर्ड है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए से बी पॉजिटिव। अपवर्ड है और पॉजिटिव है। बी से सी अपवर्ड वेलोसिटी डाउनवर्ड? डाउनवर्ड और नेगेटिव? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एंड नेगेटिव। ए की बात करूं मैं, अगर ए से बी एक्सेलरेशन कितनी है और बी से डी कितनी है? ए से बी जब बॉडी नीचे, ए से बी जा रही है तो एक्सेलरेशन कौन सी है? -9.8। और डायरेक्शन ग्रेविटी की? Downwards. जब वो बी से डी आ रही है तो एक्सेलरेशन कितनी है और किस डायरेक्शन में है? -9.8 downwards. थ्रू आउट मोशन यही है, जी एंड डाउनवर्ड, ये भी जी एंड डाउनवर्ड, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। देखो ये समझ में आया जो बताया अभी तक, बिकॉज दिस हेल्प्स यू ड्रॉ द ग्राफ। मैं सबसे आसान ग्राफ अगर सबसे पहले बना दूं, एटी ग्राफ, बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है
बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड माइनस 9.8, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, क्लियर? ए का फंडा क्लियर, ए कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है? अब आते हैं वी पे, अगर मैं वी टी ग्राफ बनाऊ, मेरे को बताओ ए से बी वेलोसिटी बढ़ रही थी या कम हो रही थी? डिक्रीज। ए से बी डिक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? पॉजिटिव। ए पे स्पीड कितनी थी? 2.5 मीटर पर। मतलब हम ग्राफ को यहां से शुरू करेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड है 2.5 और ये कम हो रही है, कम हो रही है और a कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ या वेरिएबल कर्व? a कांस्टेंट है तो vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी कम होती गई और बी पे जाके हो गई जीरो, ए से चला बी तक का ग्राफ बन गया, वेलोसिटी कम हो रही और जीरो हो गई। अब बी से सी क्या था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बी पॉइंट के बाद, बी पॉइंट के बाद वो नीचे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। लिखा था ना कि B से C वेलोसिटी इज नेगेटिव और C से D भी नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसे ही जाता जाएगा, दिस इज VT ग्राफ, कि A से B पॉजिटिव है वेलोसिटी, B से D जो है वो नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि A कांस्टेंट है थ्रू आउट, A क्योंकि नेगेटिव है तो स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव ही रहेगी। XT की बात करें, अगर स्लोप ऑफ XT ग्राफ इज, स्लोप ऑफ XT ग्राफ वेलोसिटी, ए से भी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? डिक्रीजिंग। तो स्लोप बढ़ेगी कम होगी, ए से बी कम होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव ए से बी? पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग स्लोप, बी पे जाके स्लोप जीरो हो गई बिकॉज स्पीड जीरो हो गई। बी से सी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बी से सी नेगेटिव। सोच के बोलो, सोच के, बी से सी में अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं, बी से सी मान लो मैंने ये पॉइंट लिया बीच में पी, जब बॉडी पी पॉइंट पे है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए से पी की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, इनिशियल पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर बॉडी पी पॉइंट पे है तो वो इनिशियल पॉइंट से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है अभी, जब तक वो ऊपर है तब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। बी से सी थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, सी पॉइंट पे आगे जीरो हुई है, मतलब बी से सी जब बॉडी नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव बट कम हो रही है, क्योंकि बॉडी जैसे जैसे इनिशियल लेवल की तरफ आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, मतलब पी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, जब वो सी पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगी, बट बी टू सी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और कम हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बी से सी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग। स्लोप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और सी पॉइंट तक आते आते हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देंगे, जब बॉडी यहाँ पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। C पॉइंट के बाद जब बॉडी C से D आ रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट अब अपवर्ड, जब ये पॉइंट P नीचे आ गया C से तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है
तो स्लोप को हम थोड़ा सा और बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसको कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्लोप दिखाना होता हमें, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है डी पॉइंट पे, दैट शुड बी -3 meter, बिकॉज यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज -3 meter। ग्राफ देखो, तीनों समझ में आए? यस सर। तो आपको एनालाइज करना होता है मोशन को, जल्दबाजी नहीं है हमें कोई जब सीख रहे हो। अब जो न्यूमेरिकल पूछा था दैट इज वेरी इजी, अगर आपको सारे लॉजिक समझ में आए हैं। इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकंड। थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन कितनी है? -3 meter। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? -3 meter। तो एस इज इक्वल्स टू, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, हो गया सॉल्व न्यूमेरिकल। तो टी निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, बट द पर्पस इज टू लर्न फिजिक्स, द लर्न द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रादर देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिर्फ। बिकॉज अगर आप ऐसे हर चीज को एनालाइज करने की आदत डाल लोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं लगेंगे, और जो कंसेप्ट एक बार ही समझ में आ गया आपके ठीक से, मैं आज से मेरे को 25 साल बाद भी मॉडल टाउन में मिले ना तो मेरे को आंसर दे दोगे। ये भूलते नहीं है चीजें अगर एक बार ही समझ में आ गई ठीक से। तो फिजिक्स को सब टफ बोलते हैं, फिजिक्स इज नॉट टफ, बट समझ में आनी चाहिए एक बार ही आपको ठीक से, उसके बाद फिर ये लाइफ टाइम नहीं भूलेगी आपको, और दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी 12th class तक। बिकॉज इसमें रट्टा कुछ नहीं है, हर चीज का लॉजिक है कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, हम क्यों इक्वेशंस को ऐसे यूज कर रहे हैं। इसकी आप जब 9th में आप करते थे, आप पहले ऊपर जाने का टाइम निकालते थे, फिर नीचे जाने का टाइम निकालते थे, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही है, तो आप काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा सकते थे इस पे इजीली। एनी डाउट इन दिस? टी तो निकलाएगा, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी है सिर्फ। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? सर मुझे उस पार्ट में डाउट है जिसमें आपने बी टू सी पॉजिटिव लिया है डिस्प्लेसमेंट को। बी टू सी मैंने पॉजिटिव क्यों लिया? बी टू सी कोई पॉइंट मान लो पी, ठीक है? Yes. जब बॉडी इस पॉइंट पे है तो ये इनिशियल पॉइंट से ऊपर है या नीचे है जहां से हमने थ्रो किया था? ऊपर है। जिस पॉइंट से मैंने थ्रो किया उससे ऊपर है, दैट मींस इसके डिस्प्लेसमेंट जब ये पी पॉइंट पे है तो अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट है एपी के इक्वल। जब बॉडी पॉइंट पी पे है तो डिस्प्लेसमेंट इज एपी एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। यस सर। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, मतलब मैं सारा क्वेश्चन अपवर्ड को नेगेटिव लेके भी कर सकता था, तो हमने क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना है इसलिए पी पॉइंट पे जब है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, ड्रॉ इट स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम की जगह। इसका स्पीड टाइम ग्राफ, ड्रॉ इट स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है? स्पीड इज स्केलर, स्केलर, तो देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्वड। एंड सेकंड, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कैसा बना स्पीड टाइम ग्राफ? बनाओ एंड फोटो सेंड करो मेरे को, और ये गलत मत करना आप प्लीज।
क्या बना ग्राफ? थोड़ा सा एरर है इसमें पनील, ठीक करो इसको। ओवरऑल शेप ठीक है बट ग्राफ में गलती है। अब एक मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं, अगर आपका वीटी ग्राफ बन जाए ना सर, जीरो तक लेके जाऊं? हाँ, अगर आपका वीटी ग्राफ बन जाए तो जो स्पीड टाइम होता है वो नेगेटिव साइड के मिरर इमेज होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ज़ूम करो, एक मिरर रखूं, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी मिरर में? मैंने वेलोसिटी टाइम बनाया था इस फॉर्म में, इसकी इमेज, मतलब अगर यहां पे मान लो मैंने एक मिरर रखा, यहां एक मिरर पड़ा, तो इसकी इमेज जो है मिरर में ऐसे बनेगी और ये वीटी ग्राफ हो जाता है। बिकॉज फर्क क्या पड़ा सिर्फ 2.5 से शुरू हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते आते स्पीड जीरो होगी, उसके बाद जब वो बी से सी जा रहा है, जब वो बी से सी जा रहा है वेलोसिटी डाउनवर्ड्स और बढ़ रही है, पर स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है, उसमें डायरेक्शन तो इन्वॉल्व होती नहीं, तो हम कहेंगे जब वो बी से सी आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ेगी। So, velocity negative हो सकती थी, उसको नीचे बनाया था, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको ऊपर बना देना। क्लियर है ये ग्राफ सबको कि ए से बी स्पीड कम हो रही है, बी पे जाके स्पीड जीरो हो गई, फिर बी से डी आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So, next time करते हैं इसके क्वेश्चन, हफ्ते में 3 दिन रखा करेंगे, so days decide कर लेंगे कौन से, में भी शायद मंडे थर्सडे एंड सैटरडे ऐसे कुछ alternate days पे रख लेंगे। so, मैं कल बता दूंगा, मंडे को क्लास होगी तो इसी टाइम ही मंडे मॉर्निंग, और आज वाले क्वेश्चन एक बार ही ध्यान से देखना सारे दोबारा से।